हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कमलवागाजा रोड में, नियर आपका जो कमलवागाजा मोड़ है, गुरुकुल स्कूल के पास हम लोग हैं। यहीं पर आज काफ़ी अच्छे एक मकान का रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं। यह मकान जो आपका गुरुकुल से भगवानपुर ब्लॉक रोड है, इस रोड में यह रहेगा मकान। जो आपका गुरुकुल स्कूल है उसके बैक साइड में आज का यह मकान रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेन रोड से हम लोग यह जो गुरुकुल भगवानपुर लिंक मार्ग है उस रोड में हम लोग चले गए हैं, और यहीं से आपका एकदम वॉकिंग डिस्टेंस का यह मकान रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक डील्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहां पर आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड नए नए रिव्यूज लेकर आता रहता हूं। आज भी काफ़ी अच्छा एक मकान का रिव्यू आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइस के साथ में और काफ़ी बेहतरीन लोकेशन के साथ में आज का यह मकान रहेगा। मेरे लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हैं, यह जो गुरुकुल स्कूल है, यह स्कूल है, इसके बैक साइड में ही जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आज का यह मकान रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, गुरुकुल स्कूल के जस्ट बगल से हम लोग लेफ्ट टर्न हो गए हैं और इसी में सामने हम लोग जाएंगे, वहीं पर आज का यह मकान रहेगा। तो दोस्तों, आप समय से जो भी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आसपास काफ़ी रिहायश यहाँ पर है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मकान यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी डेवलप यह कॉलोनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड काफ़ी चौड़ी यहाँ पर रोड यहाँ पर आपको मिलेगी, बिजली पानी जो भी जरूरतें हैं वो सब कुछ आपका यहाँ पर सुविधा के साथ में उपलब्ध हैं। दोस्तों, आ गए हैं आप मकान में और करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, यह रहा मकान जिसका कि रिव्यू आज हम लोग करने आए हैं। दोस्तों, अगर मैं टोटल इस प्लॉट की अगर एरिया की बात करूंगा, लगभग आपका 1850 वर्ग फीट का यह प्लॉट रहेगा। उसमें लगभग फुली प्लॉट में यह कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छी एक मजबूत, जो कि कहा जाए कि काफ़ी अच्छा यह कंस्ट्रक्शन किया गया है। किसी सेल पर्पज से यह कंस्ट्रक्शन नहीं है, अपने यूज़ के हिसाब से यह कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो जैसा कि आप देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन यह कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एंट्रेंस एरिया है, यहाँ पर आपको एक गेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको दो गेट दिए गए हैं, एक मेन गेट है और बगल से एक छोटा भी एक सर्विस गेट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में भी देखेंगे, दोनों तरफ आपको गैलरी यहाँ पर मिलेगी, ओपन स्पेस यहाँ पर मिलेगा प्रॉपर आपका। जैसा कि आप देखेंगे, मकान में चारों तरफ से आपको ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा, पूरा वेंटिलेशन यहाँ पर आपको प्रॉपर चारों तरफ से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छत में भी आपका सीलिंग में भी जो आपका पीओपी का वर्क है वो किया गया है। और यहीं से हम लोग जाएंगे आपका लिविंग रूम के लिए, यह एंट्रेंस है। और यहीं से आप देखेंगे कि सामने आप आर्च देख रहे हैं, यह लिविंग रूम का एरिया है और जो काफ़ी बड़ा स्पेस में दिया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं किसी तरह की यहाँ पर कोई लाइट नहीं जलाई गई है, सब नेचुरल जो बाहर का लाइट है वही यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इसके चारों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन है, कितना यहाँ पर आपको उजाला है और किस तरह से प्लानिंग से यह चीज़ बनाई गई है। तो दोस्तों, यह देख रहे हैं आप, यह डाइनिंग वाला एरिया यह आ गया है, यह डाइनिंग का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। सामने ही आप देखेंगे इसके किचन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हम आगे जाते हैं, यह आपका किचन दिया गया है और किचन भी काफ़ी स्पेस के साथ में किचन दिया गया है। जैसे कि आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपका जो भी फ्रिज वगैरह इन चीज़ों के लिए स्पेस दिया गया है। तो यह किचन का आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दो विंडो देखने को मिल जाएंगी। इसके बगल में भी अगर आप जाएंगे, यहाँ पर भी एक रूम आपको दिया गया है, इसका भी आप देखेंगे कि एंट्रेंस बाहर से डायरेक्टली भी इसका एंट्रेंस है। इसको आप स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हैं और सर्विस रूम के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिलेगा। बाहर से आप जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वॉश बेसिन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अंदर अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाथ टब भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा। बाकी जो भी आप देख रहे हैं, टाइल्स का यहाँ पर काम किया गया है प्रॉपर, सभी कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, सभी फिटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और यह भी काफ़ी बड़ा यह स्पेस बाथरूम का दिया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे, वापस जो आपका लॉबी वाला एरिया है, डाइनिंग, इस एरिया में हम लोग आएंगे। और यहाँ से जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यह लिविंग एरिया है और बगल में आपको हमने रूम में दिखाया था, काफ़ी बड़ा दोस्तों यह स्पेस है, काफ़ी खुला खुला सा स्पेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बाहर की एक नेचुरल लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सामने हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आपके दो रूम काफ़ी बड़े से, जो मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको पीओपी का वर्क है वो देखने को मिलेगा और काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी उजाला जो एक नेचुरल लाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साथ ही इसमें एक अटैच बाथ दिया गया है, यह भी आपका इसमें दोनों चीज़ें हैं और पूरा यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ पर भी आपको फिटिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें भी सब आपका जो भी टाइल्स का है और सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और यहाँ से जस्ट बगल में भी अगर देखेंगे दूसरा रूम यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप सीढ़ी के नीचे देखेंगे यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है जिसे कि आप यूज ले सकते हैं। दूसरे बेडरूम में अगर हम लोग जाएंगे तो यह भी काफ़ी बड़ा है रूम है जिसमें कि आपको दो बड़ी बड़ी विंडो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी आपका अटैच बाथ दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा यह रूम है और यह इसका जो पीछे का स्पेस है बैक स्पेस यहाँ से आपको दिखाएं तो इसमें बैक स्पेस भी काफ़ी यहाँ पर दिया गया है। सामने ही इसमें भी अटैच जो आपको बाथ है वो दिया गया है, काफ़ी बड़ा स्पेस के साथ में है और यहाँ पर भी आप प्रॉपर वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी जो एक तरह चारों तरफ से खुला हुआ और काफ़ी वेंटिलेटेड यह आपका मकान है जो कि लगभग मैंने आपको बताया था लगभग 1850 वर्ग फीट के अंदर यह प्लॉट है। और यहीं से हमें छत में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ दी गई हैं और यहाँ पर भी मेरे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपको एक स्टोरेज है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कि आप अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर सीढ़ियों में जाएंगे छत की तरफ तो यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सेक्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको अंदर काफ़ी उजाला यहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद हम लोग छत की तरफ बढ़ते हैं और जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर के लिए स्पेस दिया गया है, यह भी काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी बड़ा मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक विंडो यहाँ पर मिल जाती है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका जो नेचुरल सनलाइट है और उसका यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यह हम लोग छत में आ चुके हैं और यहाँ पर आप आसपास का व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आसपास की लोकेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगी, आसपास किस तरह का यहाँ पर को रेजिडेंस है वो सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग छत में आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपका वाटरप्रूफिंग का छत में भी पूरा काम किया गया है, पूरा आपका जो कॉलम बीम्स के अंदर है यह मकान बनाया गया है, काफ़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन इस मकान का आपको देखने को मिलेगा। अभी बरसात का यह समय है तो इसमें भी आप देख रहे हैं मकान में कहीं पर किस तरह का कोई पानी किस तरह का कोई सीलन या कुछ भी यहाँ पर किसी तरह का कोई क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह मकान के सामने की तरफ हम लोग आ चुके हैं फ्रंट व्यू में और सामने की तरफ आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी है रोड है और आसपास भी आप मकान देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी बड़े यहाँ पर मकान अपने को देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी शानदार यहाँ से जो आपका वैली व्यू है हिल व्यू है काफ़ी शानदार यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, हालांकि अभी काफ़ी बादल हैं उतना प्रॉपर व्यू यहाँ से नहीं है फिर भी मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आसपास का व्यू भी आपने देख लिया है और सारा जो डिटेल्स था वो सब कुछ आपने देख लिया है। आप बात कर लें तो जो भी अगर जनरल एमिनिटीज की हम लोग बात करें तो जैसा कि आपने देखा मेन रोड से काफ़ी नज़दीक यह प्रॉपर्टी थी तो लगभग आपका 300 मीटर 400 मीटर में का जो भी डेली उपभोग की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको मैंने एंट्रेंस में ही आपने देखा था यहाँ पर गुरुकुल सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है और उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात करें तो लगभग आपका 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में भी वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग आपका 200-300 मीटर के डिस्टेंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब वहीं अगर हम लोग हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रोडवे स्टेशन से डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग आपका 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका रहेगा। तो दोस्तों रिव्यू तो पूरा हो चुका, कैसी रही है प्रॉपर्टी जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेन रोड से काफी नजदीक का यह मकान था, काफी अच्छी डेवलप कॉलोनी के अंदर का यह मकान है। दोस्तों बाकी डिटेल तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस रखा गया 80 लाख रुपया जो कि नेगोशियबल है। दोस्तों आप इसके अलावा कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पर सोरे नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।